जारी जंग को एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ना अब तक रूस अपने मुकाम पर पहुंच पाया है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरी युद्ध किसी अंजाम पर पहुंचेगा भी या सिर्फ दुनिया तबाही का मंजर देखती रहेगी। इन सब के बीच रूस की एक खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रूस की खुफिया एजेंसी रशियाज फॉरेन स्पाई सर्विस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। रूस की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि उसे इनपुट मिला है कि अमेरिकी सेना रूस पर हमला करने के लिए इस्लामी चरमपंथियों को तैयार कर रही है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। ऐसे में रूस का ये दावा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला भी। रूसी विदेश खुफिया सर्विस को SVR के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सरगई नारिशकिन करते हैं। एजेंसी कभी सोवियत यूनियन KGB का हिस्सा थी। इसने कहा कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े समूहों के 60 ऐसे आतंकवादी अमेरिका ने भर्ती किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी विदेशी खुफिया सर्विस के अधिकारी ने बताया है कि ये सभी आतंकी सीरिया में एक अमेरिकी कैंप में ट्रेनिंग कर रहे थे। विदेशी खुफिया सर्विस ने कहा कि तैयार किए गए आतंकियों को राजनयिकों, सिविल सेवकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एजेंसी के प्रमुख सरगई नारिशकिन ने पिछले साल अंकारा में CIA के निदेशक विलियम बर्न से मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय के एक बयान में यह बताया गया है कि रूसी सैनिकों ने दुश्मन के इरादों को खत्म कर दिया है। खास बात यह है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके सैनिक 4 दिनों में यूक्रेन की सीमा रेखा के साथ पश्चिम में 2 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर रूस के खुफिया विभाग की जानकारी सही है और वैसा ही होता है जैसा कि दावा किया गया है, तो यह युद्ध और भड़क सकता है। आपकी क्या है इस खबर पर राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।